गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 साइंस। कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। आपको पता है कि रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट का किसी भी एक मीडियम से आना और स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद उसका उसी मीडियम में वापस लौट जाना, ये हमारा रिफ्लेक्शन था। आने वाली लाइट रे को हम इंसिडेंट रे कहते थे। जो लाइट स्मूथ सरफेस से पढ़कर वापस लौट रही है मीन्स रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और उनके बीच में जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल को खींचने की आपको जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का पता कर सकें। मीन्स आप ये पता कर सकें कि आपने लाइट कितने एंगल से डाली है और आपकी लाइट रिफ्लेक्ट किस एंगल से हुई है। इसके बाद हमने रूल्स देखे थे कि रिफ्लेक्शन के आपके दो रूल्स थे, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों आपके एक ही पॉइंट पर होने चाहिए, एक ही प्लेन में स्थित होने चाहिए। और दूसरा आपका एंगल आई और एंगल आर हमेशा आपके बराबर होते हैं, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपके बराबर होते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, मेनली दो टाइप के रिफ्लेक्शन पाया जाता है आपका। एक आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकेंड आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर का दूसरा नाम आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। तो जैसा कि आपका पहला जो रिफ्लेक्शन आपका रेगुलर, जैसा कि आप जानते हैं वो रेगुलर का मतलब होता है कि सरफेस में इरेगुलरिटी होती है। नाम से पता चल रहा है आपको कि एक वो रिफ्लेक्शन जिसके सरफेस में ही रेगुलरिटी हो, मतलब एक वो रिफ्लेक्शन जो आपका एक स्मूथ सरफेस से होता है, एक चिकनी सतह से होता है, वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आपने कल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का ये एग्जाम्पल था। इसमें आपका जितनी भी लाइट रेज इस स्मूथ सरफेस की तरफ इंसिडेंट होगी वो चारों डायरेक्शन में हर तरफ बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, यानी कि हर तरफ वो लाइट रेज आपकी क्या होंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। इस कंडीशन में आपका एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होगा, यानी कि एक वो रिफ्लेक्शन जो एक रेगुलर सरफेस से होता है वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसके बाद इरेगुलर रिफ्लेक्शन या जिसे आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है इरेगुलर का मतलब हो गया कि आपकी सरफेस में इरेगुलरिटी होगी, मीन्स एक वो रिफ्लेक्शन जो इरेगुलर सरफेस से होता है, यानी कि आप कह सकते हैं गुलगुली सतह से होता है, वो सरफेस जिसमें रेगुलरिटीज नहीं होती, यानी कि गुलगुली हो वो सरफेस, वो आपकी इरेगुलर सरफेस होती है। तो एक वो रिफ्लेक्शन जो इरेगुलर सरफेस से होता है, सरफेस में इरेगुलरिटी होती है, वो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपका सरफेस में इरेगुलरिटी है आपकी, यहाँ से अगर लाइट रे आपकी इंसिडेंट होती है, यानी कि इस सरफेस पर अगर आपकी लाइट पड़ती है तो किसी डायरेक्शन में ज़्यादा लाइट जाएगी और किसी दूसरी डायरेक्शन में आपकी कम लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि ऐसी सरफेस से अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो किसी एक डायरेक्शन में लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है, किसी एक डायरेक्शन में ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और किसी दूसरी डायरेक्शन में आपकी कम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मीन्स एक वो रिफ्लेक्शन जो एक रेगुलर सरफेस से हो वो आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक वो रिफ्लेक्शन जो आपका इरेगुलर सरफेस से हो वो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद आते हैं आपकी मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इमेजेस क्या होती हैं। तो इमेजेस, जैसा कि आप जानते हो कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेस चलती है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद आपका जिस पॉइंट पर भी आकर के मिलती है उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की क्या बनती है, इमेज बनती है। अब वो इमेज वैसे तो आपकी दो तरह की होती है, एक आपकी रियल दूसरी आपकी वर्चुअल। रियल इमेज जो होती है वो आपकी मतलब ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस रिफ्लेक्शन के बाद आपस में रियल में मिले वो आपकी रियल इमेज होगी, और रियल इमेज हमेशा आपकी उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। वर्चुअल इमेजेस वो होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस आपस में रियलिटी में नहीं मिलती, वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी सीधी होती है। अब जो टॉपिक है आपका वो है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारी इमेजेस। अब मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल रिफ्लेक्शन के नाम से भी आप जान सकते हो, क्योंकि वो इमेजेस जो रिफ्लेक्शन जो लाइट के बार बार रिफ्लेक्शन से बनता है, यानी कि दो मिरर्स को आप जब आमने सामने रख देंगे, जब दो मिरर को आपने सामने रख देंगे आप, तो उनसे लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती है। तो एक वो रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट का
जो स्मूथ सरफेस से बार बार जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं। उस इमेज को कहा जाता है मल्टीपल इमेज। दो या दो से ज़्यादा जब स्मूथ सरफेसेस एक दूसरे से कुछ एंगल बना करके या एक दूसरे के सामने जब रखी जाती हैं तब उनसे लाइट का बार बार रिफ्लेक्शन होता है। इस रिफ्लेक्शन के कारण उस ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजें बनती हैं। उन इमेजेस को हम मल्टीपल इमेजेस कहते हैं।